वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन का ये क्वेश्चन चैप्टर है ट्राइ सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लिटल डिफिकल्ट ऑल्सो सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सो क्वेश्चन इज ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ ट्राएंगल इन विच एंगल बी इक्वल्स टू टू एंगल सी इट मीन्स एंगल बी जो है वो सी का डबल है ठीक है तो हम अगर हम एंगल सी को वाई एज्यूम कर लें वाई डिग्री तो एंगल सी बन जाएगा टू वाई डिग्री राइट

प्रूव दैट एंगल बी ए सी सेवेंटी टू डिग्री तो ये जो बी ए सी एंगल है हमें सेवनटी टू डिग्री प्रूव करना है इट मीनस एंगल एक्स को हमें थर्टी सिक्स डिग्री प्रूव करना है तो थर्टी सिक्स का डबल सेवनटी टू हो जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो सो लेट्स डू हम क्या करेंगे सबसे पहले एंगल बी का भी बाई सेक्टर खींचे दिस इज़ टू बाई ना तो हम ऐसा एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से जो इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे और ये भी वाई बन जाए और ये भी वाई बिकॉज इट वॉज टू वाई तो वाई वाई बन गया बाई सेक्टर खींच दिया इसका कोई नाम दे देते हैं पी नाम दे देते दे 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 हैं ठीक है अब हम डी पी को भी ज्वाइन कर देंगे ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ठीक है तो अभी हम लिखें तो ये हमने लिख दिया इन ट्रा इन फिगर इन ट्रा एंगल ए बी सी एंगल बी इज ऑफ एंगल सी एंगल सी वाई मान लिया और बी हो जाएगा हमारा टू वाई डिग्री अब हमने क्या करा ए बी इज कल टू सी डो गिवन तो ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी हैं ड्रॉ बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी बी का बाई सेक्टर खींचा और ये दोनों एंगल अब वाई वाई हो जाएंगे ठीक है तो अब क्या करेंगे हम जो मैंने ये ग्रीन ट्राइंगल करी है और जो रेड ट्राइंगल की है इन दोनों को कॉन्गोरेट करेंगे ठीक है तो देखिए इन ट्राइंगल ग्रीन वाली का नाम लिखेंगे हम ए बी पी इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल देखो यहाँ पे हमने क्या नाम लिया सिंगल कट से वाई एंगल की तरफ जुआ हम ना ए बी पी सिंगल कट से ये सिंगल कट है ना इसे वाई की तरफ गए तो इधर भी हम ऐसे करेंगे सिंगल कट से वाई की तरफ जाएंगे तो डी सी पी डी सी पी इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्प्र करेंगे देखो कैसे सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू सी डी दिस इज गिवन ये हमारे पास गिवन है ये लिखा हुआ है ठीक है दूसरे पे हम लेंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल डी सी पी बिकॉज दीज आर वाई डिग्री इच ये देखो फिगर में दिख रहा है आपको ये भी वाई है ये भी वाई है ठीक है न और तीसरे पे हमारे पास आएगा बी पी इक्वल्स टू सी पी कैसे देखिए ये एंगल वाई है ये एंगल वाई है तो इन ट्रा एंगल बी पी सी दीज एंगल्स आर इक्वल सो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल तो हम लिखेंगे BP साइड जो है वो होगी CP के बराबर वाई हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ठीक है तो ये हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी देर फोर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी पी ठीक है उससे हमारे पास क्या मिलेगा देखना हमारे पास ए पी जो है वो मिल गई यहाँ पे देखो ए पी और ये डी पी के बराबर बाय सी पी सी टी ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉम्पोन ट्रायंगल तो देखो अगर ए पी और सी पी बराबर हों ए पी एंड डी पी सॉरी ए पी एंड डी पी बराबर हों तो दीज आर द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल तो इफ़ दीज साइड्स आर इक्वल देन दीज एंगल्स विल ऑल्सो भी इक्वल तो ये भी एक्स हो जाएगा ठीक है देआर फोर एंगल पी ए डी एंड एंगल पी डी ए दोनों ही एक्स एक्स डिग्री हो जाएंगे सी पी सी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स राइट योग इक्वल अब क्या है जो ये एंगल है वो ए एंगल पूरे एंगल के बराबर होगा बाई सी पी सी टी यू कैन सी हेयर एंगल बी ए पी एंगल बी ए पी देखिए यहाँ पे बी ए पी यहाँ बन जाएगा डी सी पी डी सी पी सॉरी सी डी पी बी ए पी सी डी पी तो सी डी पी एंगल देखना क्या है सी डी पी दोनों बराबर हो जाएंगे तो एंगल ए इज़ टू एक्स तो सी डी पी भी टू एक्स हो जाएगा ठीक है क्यों हो जाएगा सी पी सी टी से बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्फिडेंट प्रूवड अब उससे देखना हमें हम दो ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे एक इस रेड वाली ट्राइंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी तो उससे क्या मिला या एक काम करो ए डी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इन ट्रा एंगल ए डी सी देखो ए एंगल एक्स हो गया डी एंगल टू एक्स थ्री एक्स हो गया टू एक्स प्लस एक्स है ना देखो ये थ्री एक्स बन गया प्लस सी एंगल वाई बन गया तो इन दो तीनों का सम वन एट्टी ठीक है इससे हमें क्या मिला इससे मिला हमें फोर एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन एट्टी और साथ के साथ आप लगा दो बड़ी ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना जरा तो पहला एंगल ए है दैट इज टू एक्स दूसरा एंगल बी है दैट इज टू वाई तीसरा सी है दैट इज वाई इक्वल टू वन एट्टी तो इट बिकम्स टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू वन एटी तो अगर हम इस इक्वेशन वन को और इस इक्वेशन टू को देखें तो दोनों इक्वल हैं वन एटी वन एटी के बराबर तो कैन आई इक्वेट दीज टू इक्वेशंस तो इट मीन्स फ्रॉम वन एंड टू फोर एक्स प्लस वाई इज़ ऑल्सो वन एट्टी एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इज ऑल्सो वन एट्टी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ये दोनों वन एटी वन एटी के बराबर हैं एक्स को इधर ले जाओ वाई को इधर ले जाओ तो इट बिकम्स फोर एक्स माइनस टू वाई एंड दूसरी साइड बन गया थ्री वाई माइनस वाई सो इट बिकम्स टू वाई इजिकल टू सॉरी यहाँ एक्स है टू एक्स एक मिनट इट बिकम्स टू एक्स इजिकल टू टू वाई सो टू टू कट एक्स इजिकल टू वाई आ जाएगा तो एक्स इजिकल टू वाई आ गया अब आप आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ए बी सी में और एक्स थर्टी सिक्स आ जाएगा देखिएगा से ये एक्स है ये एक्स है ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स एंड वाई बराबर हैं अब तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एक्स हो जाएंगे देखो टोटल ठीक है क्योंकि वाई को भी हमने एक्स लिखना है तो लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग एंगल्सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग एंगलसम प्रॉपर्टी ठीक है एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इज इकल टू वन एटी सो सबको एक्स ही लिख दो क्योंकि एक्स एंड वाई आर इक्वल सो वी हैव फाइव एक्स इज इकल टू वन एटी हीयर ओके सो एक्स विल बी थर्टी सिक्स ओके तो अगर एक्स थर्टी सिक्स है तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा दैट इज़ टू एक्स तो टू इन टू थर्टी सिक्स सेवनटी टू डिग्री प्रूव हो जाएगा तो so, ऐसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे देखिए ये एक्स है ये भी एक्स है तो 72 टू बन गया ये एंगल सो दिस इज़ द सोल्यूशन Thank you so much.